आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव आज शाम 4 बजे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल मतगणना को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को सभी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सुबह 8 बजे से आयोग द्वारा अनुमोदित मतगणना स्थलों पर वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में लगभग 14,600 मतगणना कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री कांताराव ने बताया कि आयोग ने रैंडम आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र के वीवीपैट की स्लिपों का मिलान ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम से करना अनिवार्य किया है, ताकि चुनाव परिणाम में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। उधर सभी जिलों में भी मतगणना की तैयारी तेजी से चल रही है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय नेहरू स्टेडियम में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ही मतगणना का कार्य किया जाएगा। 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना एक एक कमरों में और राऊ विधानसभा क्षेत्र की गणना 2 कमरों में होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाई जाएंगी। प्रदेश में मतदान और मतगणना की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर कांग्रेस की ओर से आपत्ति उठाने के बाद निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बैठक में किसी प्रकार के नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने इस बारे में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कल कहा कि उन्हें कैबिनेट बैठक के संबंध में अभी कोई पत्र नहीं मिला है। गौरतलब है कि प्रदेश में कल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर आपत्ति उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसा क्या कारण है जिसके चलते भाजपा सरकार को आखिरी समय में बैठक करनी पड़ रही है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एडवेंचर नेक्स्ट आज से भोपाल के मिंटो हॉल के कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ। मध्यप्रदेश को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन की मेजबानी का मौका मिला है। इस सम्मेलन में बायर्स, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े प्रतिनिधि, सेलर्स, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी और टूर ऑपरेटर्स के तकरीबन 200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव और प्रबंध संचालक हरिरंजन राव ने आकाशवाणी को बताया कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरे एशिया में ATTA ने भारत को चुना और भारत में उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को चुना। मुझे लगता है ये हम सब भोपाल वासियों के लिए और प्रदेश के लिए बहुत गर्व का अवसर है, और इसलिए भी क्योंकि इसका आयोजन हमारे प्रतिष्ठापूर्ण मिंटो हॉल इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। आज नौसेना दिवस है। यह दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान नौसेना की भूमिका के सम्मान में मनाया जाता है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि भारतीय नौसेना देश की समुद्री सरहदों की देखभाल में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने बताया कि नौसेना ने अब तक समुद्री लुटेरों के 44 हमलों को विफल किया है और 120 समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किया है। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है। दिसंबर शुरू होने के बाद भी लोगों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। भोपाल और इंदौर संभाग में पारा सामान्य से अधिक और शेष संभागों में सामान्य रहे। प्रदेश में कल सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस मंडला और खजुराहो में दर्ज किया गया। वहीं दिन का औसत तापमान 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में हल्की गिरावट शुरू होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के ग्राम भ्याना के हाई स्कूल में कल कक्षा 9वीं के 45 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई। शिवपुरी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देखते हुए यहां की कक्षाओं को कुछ दिनों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थानांतरित किया गया है। अनूपपुर के मोहरी मतदान केन्द्र में पुनर्मतदान कराए जाने के मामले में 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। और पैदल वाहिनी बिहार के लिए 17 से 22 दिसंबर तक भर्ती रैली का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। इसमें 18 से 42 साल तक के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।